आपका एक सब्सक्रिप्शन हर यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अमरनाथ यात्रा के इस सफ़र में हम आपको बताएंगे ऑफलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कहाँ से मेडिकल करवाना पड़ता है, RFID कार्ड के बारे में, जम्मू से भगवती नगर आप कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में, फिर हम आपको सिम से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, फिर बस के टिकट कैसे बुक करना है वो बताएंगे, और फिर होटल की बुकिंग कैसे करना है वो भी बताएंगे। ऑफलाइन अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा, फिर गूगल में आपको टाइप करना पड़ेगा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। ये टाइप करने के बाद आप उसके वेबसाइट में आ जाओगे और यहाँ से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हर एक राज्य का अलग अलग मेडिकल चेकिंग सेंटर है, आप अपना राज्य का और अपने जिला का नाम डाल के यहाँ पर चेक कर लेना। मेरा वेस्ट बंगाल है तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये है उन सारे हॉस्पिटलों का लिस्ट जहाँ से मेडिकल चेकअप होने वाला है। यहाँ पर हॉस्पिटल का एड्रेस भी दिया हुआ है और ये है मेरा सेंटर, यहाँ से मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा और यहीं से मेरा मेडिकल चेकअप होगा। अब यहाँ से हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, इसको फिलअप करके मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर वहीं से मुझे मेडिकल क्लियरेंस मिलेगा। ये है वो फॉर्म जो आपको फिलअप करना पड़ेगा और फिलअप करने के बाद आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। 13 साल के नीचे और 70 साल के ऊपर कोई भी यात्री इस यात्रा में अलाउ नहीं है, और जो औरत प्रेग्नेंट है 6 महीने से ज़्यादा उसको भी इस यात्रा में अलाउ नहीं है। इस कॉलम में डॉक्टर साइन करेगा और स्टाम्प लगाएगा। आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। यह है अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इस फॉर्म को और हेल्थ सर्टिफिकेट को आपको बैंक में ले जाना पड़ेगा, वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब कौन सा बैंक से रजिस्ट्रेशन होगा उसका भी लिस्ट और उसका भी एड्रेस दिया हुआ है, उसी बैंक से रजिस्ट्रेशन होगा। और ये रहा मेरा बैंक जहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन होगा। अभी जम्मू स्टेशन पहुँच चुका हूँ, ये देख लो जम्मू स्टेशन, और यहाँ पर जल्दी से जल्दी मुझे RFID कार्ड बनाना है। RFID कार्ड बना के मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है भगवती नगर के लिए। और ये देख लो जम्मू स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप सिम कार्ड लेना चाहते हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप भगवती नगर बेस कैंप के अंदर से भी ले सकते हो। अगर आप भगवती नगर बेस कैंप के अंदर से सिम लेते हो तो उसका खर्चा थोड़ा कम आता है और आपका टाइम भी वेस्ट कम होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सिम कार्ड लेते हो तो आपको एक्टिवेट होने तक आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। जियो और एयरटेल दोनों का ही ठीक ठाक नेटवर्क देता है, पर मैंने जियो का सिम लिया था। यहाँ पर देख सकते हो लोग RFID कार्ड बनाने के लिए लाइन पर खड़ा हुआ है। ये विश्राम घर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खटमल है। आप यहाँ पर तभी रुके जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। आसमान पे पूरा बादल छाया हुआ है और अभी जल्दी से जल्दी भगवती नगर पहुंचना है, फिर वहां से बस की टिकट करवानी है कल के लिए। देखते हैं आगे कहां से बस मिलेगी। इस छोटे गाड़ी से हम जाएंगे भगवती नगर बेस कैंप, 4 से 5 किलोमीटर है, 10-12 मिनट लगेगा। तो अभी हम जम्मू से बस पकड़ के जा रहे हैं भगवती नगर बेस कैंप, और बस का किराया 30 रुपीज़। तो कल भगवती नगर से फिर निकलना है पहलगाम की तरफ, चंदनवाड़ी की तरफ। और ये हमारा एक छोटा सा बस, अगर आप अमरनाथ आते हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर भी आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यहाँ पर दो जगह है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, एक है सरस्वती धाम और दूसरा है वैष्णवी धाम। ये दो जगह पर मेरे को पता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, बाटल के लिए भी और पहलगाँव के लिए भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर से ही रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आए, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको बहुत लंबा लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा। ये है भगवती नगर बस स्टैंड, यहाँ पर आपको उतारा जाएगा, फिर यहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा बेस कैंप के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन,
लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है ये मुझे नहीं पता। अगर आप यहाँ पर आके इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा जिस दिन का डेट खाली रहेगा, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप घर से ही रजिस्ट्रेशन करवा के लाएँ, इससे आपका टाइम सेव होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शायद 150-200 रुपये ऐसा कोई चार्जेस लग रहा है। भगवती नगर बेस कैंप पे यहाँ पर एयरटेल और जियो दोनों का ही सिम मिल रहा है। यहाँ पर जो सिम मिल रहा है वो स्टेशन से काफ़ी सस्ता है और यहाँ पर बस की बुकिंग भी हो रहा है। सिम का जो प्राइस है वो 250-300 रुपये ऐसा कुछ लग रहा है। बस के लिए बहुत लंबा लाइन, इतना लंबा है, जहाँ पर है वहीं पे है, एक घंटा से ना ही आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है, वहीं पे लाइन में खड़े रहते रहते मुझे लग गया भूख, इसीलिए मैं आगे पीछे ऊपर नीचे सबको टॉयलेट जा रहा हूँ ये बता के मैं चला गया लंगर खाना खाने। और खाना खाने के बाद फिर आके मैं लाइन पे खड़ा हो गया ताकि लाइन भी बरकरार रहे और मेरा भूख भी मिट जाए। बजरंग दल के लंगर में खाना काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। और फिर खाना खाने के बाद मैं फिर लाइन पर आके खड़ा हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लाइन मेरा जहाँ पर था वहीं पर है और शायद वहीं पर रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक घंटा हो गया है लाइन ना ही आगे जा रहा है और ना ही पीछे आ रहा है। और ये है बस का किराया, मैं सुपर डिलक्स नॉन एसी बस लिया था जिसका प्राइस है 553 रुपीज़ और सेमी डिलक्स बस का प्राइस है 404 रुपीज़ और एसी बस का प्राइस है 840 रुपीज़। फाइनली मुझे टिकट मिल गया, अब मुझे जाना है रूम पे। अभी चलिए भगवती नगर यात्री निवास का कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा नीचे एक ग्राउंड जैसा है, वो पूरा एकदम खचाखच भर चुका है। ये साल अमरनाथ यात्रा पे बहुत सारे यात्री आया है तो इसीलिए आप देख सकते हो कि भगवती नगर बेस कैंप पे पूरा भरा हुआ है यात्रियों से। अभी डिनर करना है तो फिलहाल चलो भंडारे पे चलते हैं, देखते हैं क्या हालत है वहाँ पर, और खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। देखो लोग अभी यहाँ पर रेस्ट कर रहा है क्योंकि कल जो जर्नी होने वाला है वो काफ़ी लॉन्ग है, वो करीब 278 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी है जो भगवती नगर बेस कैंप से शुरू हो के ख़त्म होगा पहलगांव बेस कैंप तक, तो इसीलिए अभी लोग रेस्ट कर ले रहा है। मुझे भी खाना खाने के बाद आके रेस्ट करना है। और हाँ, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। अगर आप एक बार बाहर निकलते हो तो आपको फिर से टोटल चेक करने के बाद ही आप फिर से अंदर आ सकते हो। भंडारे की लाइन, अरे बाप रे, यहाँ पर बहुत लंबा लाइन है, तो चलो लाइन पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर लॉक रूम का भी फैसिलिटी है, वो चार्जेस कुछ लेता है, आप अपने सामान वहाँ पर रख सकते हो। बहुत सारे लोग हॉल बुक नहीं किया है, बस गद्दी ले लिया है और बाहर सो गया है। गद्दी और तकिया लेने का भी अलग सा चार्ज है। आज हमको आपको दिखाएंगे कि आपको पहले घुस के क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ से घुसना पड़ेगा, ठीक है, अंदर सिक्योरिटी चेक होगा, वहाँ से घुस के आपको स्ट्रेट पहले आना है बस के टिकट करवाने के लिए। और बस के टिकट होगा, इस काउंटर में होगा बस की टिकट। फिर बस के टिकट करवाने के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, रूम के टिकट यहाँ पर होता है। आप सुन सकते हो भोले का जो भक्त है वो पूरा एनर्जी में है। रात को 1 बजे बस स्टैंड पहुंचने के बोला गया है और इतना तेजी से नींद आ रहा है कि हिल भी नहीं पा रहा है। सब कोई जा रहा है बस स्टैंड में और मैं फिलहाल सो रहा हूँ। इतना तेज़ी से नींद आ रहा है, मतलब हिल नहीं पा रहा है, इतना तेज़ी से नींद आ रहा है। कभी कभी यहाँ पर खड़ा हुआ है और अभी हम सबको एक जाना है
यहाँ से ढूंढना है अपना बस जो हमें लेके जाएगी पहलगाम। एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये आप देख लो ये एक बस स्टैंड है और यहाँ पर बहुत सारा बस खड़ा हुआ है और हर बस में नंबर दिया हुआ है और वो नंबर पर्ची में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ढूंढ के निकालना है कि आपका बस कहाँ पर है और यही सबसे बड़ा टफ काम है कि आपको अपना बस को ढूंढ के निकालना है क्योंकि यहाँ पर सब बस एक ऑर्डर पे खड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी कोई भी बस कहीं पे भी खड़ा हुआ है और आपको ढूंढते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा बस कहाँ पर है। तो चलो फिलहाल मैं तो बहुत ढूंढा, फिर ढूंढने के बाद मेरे को बस मिल गया लेकिन अभी भी ऐसा मैं बहुत सारे यात्रियों को देख रहा हूँ, स्पेशली बुज़ुर्ग जिन लोगों का काफ़ी एज हो चुका है वो लोग बस ढूंढ नहीं रहा है मिल नहीं रहा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और इवन साथ में उन लोगों का लगेज भी है, उन लोग लगेज कैरी भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि बस देखो बस तो मिल नहीं रहा है बहुत सारे यात्रियों का, स्पेशली चलो यंग लड़का लोग फिर भी दौड़ के इधर उधर देख के अपने दोस्तों के साथ मदद लेके निकाल लेगा लेकिन जो लोग बुज़ुर्ग है उन लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि देखो कोई अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है तो वो अपने के साथ लगेज तो कैरी करेगा ही और वो लगेज को उसको पूरा लेके घूमना पड़ रहा है ये बस स्टैंड में और उन लोगों को उतना पढ़ाई लिखाई है भी नहीं, उन लोगों को उतना मालूम भी नहीं चल रहा है कि बस कहाँ है किधर है, बस वो लोग ढूंढ रहा है इधर उधर ढूंढ रहा है और हर कोई भटक रहा है और ऐसा भटक रहा है कि उसका अपना ग्रुप भी नहीं मिल रहा है जिस ग्रुप में आया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहा है। सबसे पहले बालटाल वाले को निकाला जा रहा है, बालटाल का डिस्टेंस ज़्यादा है इसीलिए शायद बालटाल को पहले निकाला जा रहा है। इस ब्लॉग पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे जहाँ पर हम भगवती नगर टू पहलगांव का जो बस जर्नी है वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।